हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मायरा के सेकंड बर्थडे के गिफ्ट, सारे आपके साथ ओपन करना चाहती हूँ। और ये मैं मायरा के बर्थडे वाले दिन ही, मतलब दिन नहीं रात, बर्थडे भी खत्म हो चुका, हम सब घर आ गए और आज ही शूट कर रहे हैं वीडियो, क्योंकि वेट नहीं हो रहा था, देखने का मन कर रहा था। और हाँ, मैं इसी वीडियो में मायरा के फर्स्ट बर्थडे के गिफ्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो मुझे मिले थे। आपको पता है फर्स्ट बर्थडे तो सेलिब्रेट हो नहीं पाया था, तो मैंने सोचा चलो मैं इसी वीडियो में दिखा देती हूँ, फिर वो रह जाएंगे। आज हो जी गिफ्ट ओपन। चलो मायरा बताओ सबसे पहले कौन सा गिफ्ट ओपन करें, फर्स्ट बर्थडे के दिखा दूं पहले, फर्स्ट बर्थडे के दिखा दूं मम्मा पहले। ओके, सो फर्स्ट बर्थडे का गिफ्ट जो भी मेरे हाथ में आ रहा है, जैसे जैसे क्योंकि मुझे याद भी नहीं किसमें आ रहा है, ये है, ओपन करके बताऊंगी कौन सा किसका था। अरे मारे ये क्या हो रहा है, फर्स्ट गिफ्ट है, कितना मिला है, ये है रिंग गोल्ड की, ये रिंग सायमा ने दी थी मायरा को, ये देखो कितने सुंदर हाथ लग रहे, दादी को दिखा दो, दादी को, वाओ सो क्यूट। मेरा कैसी है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, चलो लाओ दे दो फिर, थैंक यू, मेरे को आई है, ओके बोलो थैंक यू सायमा। पाउटी नहीं खत्म होते इसके, ऐसे खोलूंगी ना मैं, गिफ्ट खोलती रह जाऊंगी, देखो उसको हटा दो और मम्मा आप पकड़ लो उसको। सो ये तो फर्स्ट गिफ्ट सायमा का, अब है सेकंड मायरा, मैं दिख नहीं रही हूँ बेटा, अब बर्थडे खत्म हो चुका है, डांट भी खा सकते हो पिटाई। ओके सो सेकंड गिफ्ट है मम्मा ने, मम्मा की तरफ पढ़ो कैमरा, मायरा की दादी ने, मायरा की दादी ने दिया था मायरा को गोल्ड चेन बेटा, नो अपने समर की स्किन केयर प्रोडक्ट। जैसे कि आपको पता है समर स्टार्ट हो गया और समर में बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आपकी स्किन केयर को चेंज करना, और वेदर के अकॉर्डिंग आपको स्किन केयर रूटीन चेंज कर देना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जो हम प्रोडक्ट विंटर में यूज़ करते हैं वही हम समर में करते हैं, क्योंकि सीज़न अलग अलग है तो हमारी स्किन में प्रॉब्लम्स भी अलग होती हैं। जैसे कि विंटर में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा हार्श हो जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, बट समर में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है, साथ ही साथ हमारी स्किन बहुत ज़्यादा स्वेटी भी लग सकती है इफ़ यू डू नॉट यूज़ अ राइट स्किन प्रोडक्ट। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने जा रही हूँ। तो ये जो प्रोडक्ट है मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, दीज आर बाय द ब्रांड प्लम एंड दिस इज द पेड कोलैबोरेशन बाय प्लम। सो फर्स्ट प्रोडक्ट है ये प्लम का ग्रीन टी पोर क्लींजिंग फेस वॉश, ये 75 ml क्वांटिटी में आता है और 345 rupees इसका प्राइस है, और ये सल्फेट फ्री है, नॉन ड्राइंग प्रोडक्ट है, काफ़ी थोड़ा सा प्रोडक्ट लेने पर भी ये काफ़ी अच्छा फॉर्म देता है, तो आपको इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे डे और नाइट टाइम दोनों में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा जेंटल फेस वॉश है और ये आपके पीएच लेवल को भी बिल्कुल भी स्ट्रिप नहीं करता है। इसमें आपको एक्सफोलिएटिंग बीट्स भी मिल जाएंगे एंड बहुत ही जेंटली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है, सो ये समर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आई हैव प्लम ग्रीन टी डे लाइट सनस्क्रीन जेल। समर हो या विंटर हो या कोई भी सीजन हो, सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बाहर जा रहे हैं तो आप सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए, इवन अगर आप घर पर हैं तो भी आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी चाहिए, अदरवाइज सन रेज जो है आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। सो दिस इज़ द SPF 35 PA++++ ग्रीन टी डे लाइट सनस्क्रीन जेल। ये जेल फॉर्म में और इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, ये बिल्कुल भी आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता एंड बिल्कुल भी आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करता है। तो ये जो सनस्क्रीन है बहुत ही अच्छी तरह से आपके पूरे फेस को प्रोटेक्ट करता है सन की हार्मफुल रेज से, और ये 50 ml का है और इसका प्राइस है 575 rupees। नेक्स्ट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फेस मास्क, तो ये है प्लम का ग्रीन टी क्लियर फेस मास्क, ये 60 ग्राम की क्वांटिटी में आता है, इसका प्राइस है 490 rupees। और इस तरह के मास्क जो है वो दीपू को भी अप्लाई करना बहुत ज़्यादा पसंद है, आपने देखा होगा कि दीपू की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो इसको दीपू और मैं दोनों यूज़ करते हैं।
और प्लम की ग्रीन टी वाली रेंज जो है ये सुपर एक्ने प्रोन स्किन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, और आप ऑयली स्किन है तो भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आपको इसके साथ कोई भी पानी, गुलाब जल कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ इसका टेक्स्चर है, और बहुत ही ज़्यादा थिन सी आपको इसकी पतली सी लेयर लगानी है एंड लीव इट फॉर 15 to 20 minutes, एंड उसके बाद आपने नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर देना है विदाउट यूजिंग एनी फेस वॉश। जो ग्रीन टी है वो आपके एक्ने को काम करता है एंड साथ ही साथ आपके स्किन के पोर्स को क्लीन करता है, और आप इसे वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा जेंटल है एंड स्मेल्स रियली गुड, मतलब बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छी खुशबू है इसकी, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। ओके, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है प्लम ग्रीन टी रिन्यूड क्लैरिटी नाइट जेल। ये है नाइट जेल, इसका टेक्सचर जेल काइंड ऑफ है, ये नाइट क्रीम नहीं नाइट जेल है। ये 50 ml का है और इसका प्राइस है 575 rupees। ये बहुत ज़्यादा अच्छे से आपकी स्किन को नरिश करता है एंड ऑल्सो इसको अप्लाई करने के बाद आपको बिल्कुल भी अपनी स्किन में स्टिकी और ऑयली फील नहीं होगा बिल्कुल भी, जिस तरह के नॉर्मली हमें स्लीपी मास्क अप्लाई करके होता है वैसा कुछ भी इसके साथ नहीं होगा। बहुत जल्दी आपकी स्किन में ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो जब भी आप इसको नाइट टाइम में लगाकर लेटोगे तो ये आपके पिलो पे ट्रांसफ़र नहीं होगा बिल्कुल भी, तो ये पिलो ट्रांसफ़र प्रूफ मास्क है एंड ऑल्सो टेक्सचर भी इसका काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। दिस प्रोडक्ट आर रियली रियली गुड एंड दे आर वेरी जेंटल ऑन द स्किन एज वेल। और गाइज आपके लिए मेरे पास एक कूपन कोड भी है, जी हाँ आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर एक कूपन कोड फ्लैश हो रहा है GTSassy10। अगर आप ये वाला कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको मिल सकता है ग्रीन टी की रेंज पर 10% का डिस्काउंट, मतलब ये है कि ये वाला जो कूपन कोड है ये सिर्फ ग्रीन टी की रेंज पर ही वर्क करेगा। और हाँ, अगर कोई एम्पिटीज़ है आपके पास, जैसे खाली डब्बे या खाली टब जो पहले की यूज़ करे हुए आपके प्रोडक्ट ख़त्म हो गए हैं और वो आपके पास रखे हैं, सो यू कैन सेंड देम बैक टू प्लम। एक फॉर्म है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप वहां पर अपने एम्पिटी स्टब भेजते हो तो यू कैन अर्न रिवॉर्ड्स एज वेल, सो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो या गाइज, यही सारे प्रोडक्ट हैं जो मैं अपने समर स्किन केयर में यूज़ करती हूँ। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और यहाँ चलिए जल्दी से मायरा के गिफ्ट्स ओपन करते हैं। ओके, थर्ड है गिफ्ट, ये दिया था मायरा की, ये बालियाँ हैं मायरा की परदादी ने, फर्स्ट बर्थडे के गिफ्ट दिखा रही हूँ मैं आपको सारे। नेक्स्ट ये शायद जिसमें था मुझे पाउच से पता चला। नेक्स्ट गिफ्ट है जसमीत का ब्रेसलेट, इस पे मायरा लिखा हुआ है गाइस। क्या बोल रहे हो मायरा? कैसे झूलते हैं और मैं तेरे को सेम यही चीज दिखा रही थी, और तू मैं तेरे को यही तो मैं हंसती थी ना, क्योंकि मैं तो बनवा चुकी थी मायरा के लिए ऑलरेडी, फिर याद है तो मुझे काइली जेनर की बेटी का दिखाती थी ऐसा ना, काइली जेनर की बेटी ने पहना दिखाती थी कि मैं ऐसा ले लूं मायरा के लिए, और इसने वो ऑर्डर दे चुका था पहले से, दे चुकी थी। नेक्स्ट अरे वो तो आई नहीं, मायरा की बुआ के बेटा, इसमें ना बोल रही चीजें, ठीक है ये बेटा मायरा कंधी बात बेटा, ये गिफ्ट है मायरा की बुआ की तरफ से फर्स्ट बर्थडे का इयररिंग्स। मायरा मायरा ने पहने भी थे बीच में, काफी टाइम तक पहने भी थे, फिर मैंने चेंज कर दिए। ओके, सो अब इस बार की गिफ्ट से स्टार्ट करूं, सेकंड बर्थडे गिफ्ट के सारे फर्स्ट बर्थडे के गिफ्ट से, बाकी जो सगन वगैरह मिले थे वो अलग थे। अब है सेकंड बर्थडे के गिफ्ट से स्टार्ट करते हैं, ये मम्मा आपका है ना, ये सेकंड बर्थडे गिफ्ट मतलब इस बार के बर्थडे का गिफ्ट दिया है मम्मी ने, इयररिंग्स अगेन नहीं, पहले चेन दी थी, इयररिंग्स मम्मी ने दिए थे लास्ट, इयररिंग्स बुआ ने दिए थे। मैं अपना दिखा दूं क्या?
लास्ट फर्स्ट बर्थडे पे मैंने मारा को कुछ भी नहीं दिया था, मतलब गिफ्ट मैंने इस बार दिया है मायरा को। फर्स्ट बर्थडे पे याद है देखने गए थे, लेकिन देखने गए जगह गए थे, मैंने ही को कस्टमाइज करवाया है और इसको लिखा है एम, लिखा है नहीं पर मॉम टेढ़ा देखो जी यहाँ पे गिफ्ट ओपन होने स्टार्ट हो गए। कैरी ओपन, कैरी ओपन, मैंने ओपन ओपन ओपन। और दीपू ने जो दिया है वो तो आपने देख ही ली, गाड़ी वहाँ पे रखी है, अभी तो पैक हो रखी है। बारबी हाउस घर का सामान आना शुरू हो गया मायरा। अच्छा तो मौके को देखते हुए जो गिफ्ट खुल गया मैं वही खोल रही हूँ। ये ताइजी का नहीं, मुझे नहीं पता मायरा ने नाम फाड़ दिया है, ताइजी लिखा हुआ था, वही बोलू प्रीति ताइजी इन्हों की तरफ से। ये है डॉल हाउस मायरा, आपके लिए दिन आ गया बेटा, अब आप इसे खेलो। अरे मेरे को ये बच्चों से इतनी दिक्कत होती है क्योंकि ये अलग 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 छोटी कपड़े होते हैं। ये लो मायरा, ये है डॉल हाउस। खोलना मत अभी, ये अभी तीन चार साल की हुई ना, बेड के अंदर जाएंगे सारे। इसके अंदर आप देख लो क्या क्या है, मुझे नहीं दिख रहा जिसमें पता है क्या क्या। इसके अंदर हाउस है, किचन का सामान है, बेड है, सोफा सेट है, डाइनिंग टेबल है, बेड है, टीवी है, लोग है, लोग है, ड्रेसिंग टेबल है, डॉगी भी है, फ्रिज है, डॉगी भी है, सब कुछ है इसके अंदर, अलमारी भी है। वाह मायरा जाओ घर से। सो प्रीटी, दैट्स सो क्यूट मायरा, इज दैट मायराज हाउस। अब सेम इसी पैकिंग का ये वाला खोल लेते हैं, ये शायद शरद दीदी का है। किसी ने मायरा के लिए ब्लेसिंग्स और विशेस में लिखी है, उनके चिट्स भी पहले किसने लिखे, कार्टून ने लिखे मायरा के, जल्दी काट कर सके क्या है ये देखो, स्कूटर, जादू सर्कल, जादू, हां वही वाली, जादू मायरा चला ही नहीं पाएगी, ये अभी नहीं चला पाएगी, ये तो पैक ही रहने दे, ये तो रोड पे चलाने का फायदा है इधर। बट ये है जादू स्कूटर, आप लोगों ने मूवी देखी होगी, कोई मिल गया उस पे उनकी पूरी पलटन इसी मतलब इसी स्कूटर पे बैठती हैं। पता क्या खोलूं यार, हेलो वो खोलूं टेडी के। अच्छा तो मुझे ऐसा लग रहा है हम टेडी है मायरा का दिल बहलाने के लिए हम ये खोल रहे हैं, नेक्स्ट गिफ्ट खोल रहे हैं हम ये। मायरा ये देखो ओपन, खोलो ओपन करो मायरा, ओपन करे, ओपन 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 ओपन, इट्स अ टेडी बियर, टेडी बियर, ये है दीपू की शॉप के जो वर्कर हैं, दो है सचिन पंडित, पंडित है सचिन मायरा, और टेडी का टेडी टेडी का मायरा, क्या लग क्या आया फट गया वो, अच्छा टोपी रे, ये है नेक्स्ट जो मैंने बताया दीपू की शॉप पे वर्कर है दो, वो पंडित का है, ये सचिन का है, सचिन का ओपन कर, मायरा गिर जाएगी बेटा, मायरा गिर जाओगी, मायरा मछलियां पकड़ो, ये बड़ी सही चीज है। सिक्का निकला है दीपू, पैसे भी पैसे निकले फिशिंग, ये बड़ी सही चीज है, ये तो पहले को क्वेश्चन, इसमें क्या पानी वानी सब होता है, नहीं टेस्ट घूमेंगे ऊपर से सिक्स डालेगी और चिपक जाती है, वो घूमेंगी ऐसे। मम्मी पापा का गिफ्ट और मम्मी पापा का मास्क, जसमीत के मम्मी पापा का गिफ्ट के लिए, ओ ओ मारे को देख, कैसे बैलेंस बना देती है ये बैलेंस। अरे क्या भी पड़ा भाई, इट्स अ ड्रेस, वो भी मेरा फेवरेट कलर, वाओ मारा कितनी क्यूट है, गले बड़े, दूसरी ड्रेस देखो,
चुनमुन के कपड़े छू कर ही पता चल जाते। आप लोग उससे पूछ रहे थे कि मायरा ने जो एनिवर्सरी पे ड्रेस पहनी थी मेरी और मम्मी की, जब एनिवर्सरी थी, वो ड्रेस कहाँ की है, तो वो चुनमुन की थी और चुनमुन के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। कपड़े क्या सब कुछ ही अच्छा होता है चुनमुन का। हाँ, वैसे सगन भी दिया। ओके, तो ये दीपू फ्रेंड का है मनमोहन। जब तक ये वाली गाड़ी चलाओ लोग मत चलाओ। मायरा पियानो, अगर इसमें सेल है तो बजा दो। पियानो ही कहते हैं ना इसको। और इसमें माइक भी है क्या? और माइक भी है। इसमें सेल नहीं होंगे। मैं ये गिफ्ट है जस्मी के, इसकी जो असिस्टेंट आंटी है उनके साथ जाती है मेकअप के लिए, हेल्पिंग के लिए। तो जस्मी उनके साथ हमें रोज मेकअप पे जाती रहती है, तो बात करती होगी तो कितने साल पहले। तो वो सुबह ही जस्मी उनके साथ रोज मेकअप पे जाती है, वो मेरे साथ मेकअप। हाँ मतलब भाई तो बात ही होगी। तो सुबह आज जस्मी का मेकअप भी था, आज नहीं मतलब यार कल दो तारीख सब छुट्टी लग गई है, तो सुबह ही ले आई थी। आपके लिए एक और अरे वाह के न्यू बाथिंग टब के टॉयज आ गए। बाथिंग टब के लिए ऐसे ही है, ऐसे ही है, ये वो वाले हैं। ब्रॉली उठ जाएगा अब, देखना ब्रॉली कैसे आएगा। ब्रॉली की तरफ कैमरा करना। सो वाला है ये, ले लो पकड़ो मायरा, होल्ड इट, ये बैग अच्छा है, ये रख लो। नेक्स्ट है प्रेस करो, प्रेस ये किसका है? प्रेस। नेक्स्ट ये किसका है? प्रेस। ताई जी प्रेस करो। नेक्स्ट है ये ताईजी का, तो वो जो डॉल हाउस था वो प्रीति मोनू का था, ये ताईजी तो दे दिया। और ये डॉल में जो ली मैया ले मैया छोटा अभी कर लिए, ये तो मिलन देख ले ये क्या कपड़े मेकअप शूज क्राउन माय मेकअप आ गया आपको। वाओ अबे शूज तो कितने सारे ड्रेस देख, मैं तो ये वाली लूंगी। ये सब ये ना रख दे मायरा का, प्रॉपर डॉल हाउस बना के लगवाई उसमें। अभी तूने मुझे बोला मायरा ये खोलने को, ये मत खोलियो, इसकी तो छोटी छोटी चीजें ना खो जाएंगी इसकी इसकी। अब नेक्स्ट है सोनी, हरवीन बाय सोनी। थैला बहुत मस्त है। हाँ यार ये भी रख लेंगे, थैले रख लो गाइस, अच्छे मिले गाइस। थैला पेडल से आगे चिपका दो मायरा, डोंट मायरा लाइन लाइन पकड़ लेना, मायरा लाइन नीचे गिर गया, लाइन नीचे गिर गया। और मायरा मायरा पॉनी ले लेगा यार, उनको रिटर्न गिफ्ट दे दिया ना मैं, रिटर्न गिफ्ट दे दिया, देखो देखो पता है। मारा चलो स्कूल जाओ, तो बैग किसी ने तो स्कूल की याद दिलाई मारा को। मारा बैग, मारा बैग नीडी है, टेडी बैग मारा। इसका मतलब ये है स्कूल जाओ, लाओ दिखाना बैग टांगो, बैग टांगो, बैग टांगी टांगी करो। अरे सामने उन्होंने कितना सर है भाई, स्कूल जाते हैं सब रहे इसने स्कूल नहीं आना गाइस। ये सोनी का दीवा दीवा, सोनिया कंफ्यूज हो जाएगी। दीवा याद है वही छोटी सी प्यारी सी जो बहुत बोल रही है, तो हमारे साथ अमृतसर गए थे हरी दिया सोनी और दीपा, इन्होंने ही दिया।
तो आपके बर्थडे पे डॉल भी आएगी। क्या कहना चाह रहे हैं सब, एक और डॉल तो नहीं मांग रहे? नहीं, इसका मतलब ये है कि अब टाइम टू प्ले विद डॉल्स एंड गो टू स्कूल। वाह, इट्स अ डॉल मायरा। ड्रेस तो देख लो, बाल तो देख लिए जरा कैसे कैसे कलर हो रखे हैं। अब है अब मुझे पता नहीं कौन सा। अच्छा, ये शुभा का है, ये मेरी फ्रेंड शुभा का गिफ्ट है। अरे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ये कौन है? आउल आउल, ये पत्थर, दैट्स अ बियर ड्रेस। अरे ऐसे ले लो, स्कूल जाना है शॉर्ट्स, इसमें बॉटल, टिफिन बॉक्स, अच्छी है, क्यूट क्यूट है। थैंक यू शुभा, मैंने तो थैंक यू भी बोला। नेक्स्ट ये है कल्पना का गिफ्ट। हाँ जी बेटा, अबे ये भी सेम। अरे शॉर्ट्स विद टॉप, क्यूट। गर्मी आ रही है, पहना दियो। ये भी क्यूट है यार, ये सुनती है मायरा। अच्छा हाँ, आप लोग पूछोगे सर मैं कुछ नहीं दिया, हमें यहाँ पे जसमीत ने कुछ नहीं दिया। हाँ, जसमीत ने कुछ नहीं दिया, जसमीत ने कुछ नहीं दिया। अब मैं आपको बता देती हूँ सगन कहाँ कहाँ से है, मैं दिखाऊंगी नहीं अपना। अब स्टार सिंह मम्मी पापा का ड्रेस के साथ सगन, साई ऑटो डील के दीपू के शॉप के साथ वाली शॉप है उनका है, और जसमीत और मतलब मायरा के चाचू चाची जसमीत टोनी का, साइवा मयंक का, दिनेश पंडित जी कौन है, अच्छा उन्होंने सगन भी दिया। ओके, तो ये जो शॉप के हैं दीपू के पंडित सचिन, उनमें से जो पंडित है उनका सगन है, पंडित है। लिफाफा देख के दिल लाल लाल हो गया। ये है मोना, मनमोहन सिंह दीपू के फ्रेंड। नेक्स्ट ये भी लाल लाल है, बड्डी मम्मी का, मायरा की परदादी का। अरे मैं कोई चेक करने के लिए। अरे गिफ्ट, और थैंक यू सो मच गाइस। अरे नहीं, दो गिफ्ट है भी, और ये यहाँ पड़ा है, और एक यहाँ पड़ा है, एक वहाँ भी तो है, चिक्की का। अभी मम्मी का भी आना है, और मम्मी का भी आना है। अरे चिक्की का, सॉरी गाइस, दो गिफ्ट रह गए थे। बैठ जाएगी दीपू, चल जाएगा आगे। लास्ट है, ये हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, उनकी तरफ से है, और कार्तिक और रेखा आंटी की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से। देखो, अरे मेरा कार, अभी कार, अरे ये कौन सी कार है, अरे इसके अंदर तो पूरा सिस्टम सेट है, ये भी वही है, सेल करेंगे। नो कार, नेक्स्ट गिफ्ट एक और था, कपड़े लग रहे, ड्रेस। लास्ट है ये वाली ड्रेस, पिंक और व्हाइट कलर की, पिंक व्हाइट ग्रीन, और इसपे रोजेस बने हुए हैं, ये देखो। पीछे प्लेन है, पीछे में रोजेस है, पीछे रोजेस है, मतलब रोजेस नहीं है, रोजेस में पिंक वाला पार्ट नहीं है, और सीक्वेंस वर्क है। नेक्स्ट
नाइस, कपड़े बहुत सारे हो गए पर फिर भी अभी अलमारी में चार जोड़ी कपड़े ऐसे पड़े हैं जो अभी तक मारा ने पहने नहीं है। चार जोड़ी कपड़े भी, चार जोड़ी सैंडल भी। अच्छी लग रही थी, चुनमुन से कलर इतना प्यारा है, वो भी चुनमुन से आज की वीडियो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और थैंक यू सो मच गाइज इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट देने के लिए, और गिफ्ट तो दे दिए, मायरा को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली है, मायरा को बहुत सारा प्यार मिला है, और मायरा का बर्थडे व्लॉग भी लाइव हो चुका है, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो और कमेंट करके बताना सबसे अच्छा गिफ्ट आपको कौन सा लगा, आप बता दो यार, मेरे को तो सारे गिफ्ट अच्छे लगे। और या तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और या गाइस गुड नाइट, लव यू, बाय।